बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे आलू वाला पुलाव। देखिए, उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे आलू। हाफ के जी हमने आलू लिए हैं। ये हाफ के जी आलू हमने काट के रख लिया है। ये हाफ के जी हमारे चावल हैं। ये दो से तीन अदद टमाटर हैं, फ्रीज्ड वाले थे इसलिए हमने इनको चॉप करके रख लिया। ये दो अदद प्याज हैं हमारे पास दरमियाने साइज़ के। ये सूखा गरम मसाला है, इसमें हमने दालचीनी ली है, एक पादे खटाई का फूल है, कुछ लौंग है और कुछ काली मिर्च है। ठीक है, ये देखें, ये एक नींबू है और दो हरी मिर्च है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। ये हमारे पास चाट मसाला है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने चाट मसाला लिया है। 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया है। 1 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून हमने हल्दी ली है और 1 टेबल स्पून हमने सूखा धनिया लिया है और 1 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमने लिया है 1/2 कप ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें अपना प्याज डाल देंगे जो हमने चॉप करके रखा हुआ है। देखिए, दो अदद प्याज लिए थे, इनको चॉप करके हमने रख लिया था, वो डाल देंगे। उनको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से, लाइट पिंक करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे कि जिससे हमारे चावलों की जो शक्ल है वो चेंज हो जाती है। चलिए, इनको फ्राई करते हैं। अब इसे 1 से 2 मिनट मैंने फ्राई किया। ये देखिए, हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें अपना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि हमारा जो लहसुन अदरक है वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये देखिए, हमारा लहसुन अदरक और प्याज फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें अपना टमाटर डाल देते हैं जो हमने चॉप करके रखे हुए थे। ये फ्रिज वाले टमाटर हैं, इनको हमने पेस्ट बना के रख लिया था, वो डाल दिए हैं। ठीक है, 3 से 4 अदर डाले हैं हमने टमाटर वो भी, और इनको मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम अपने मसाले डाल देते हैं ताकि इनकी इकट्ठी बनाई हो जाए। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये जो जो मसाले डाले हमने उनको डाल देंगे और इनको इनकी बनाई करेंगे अच्छी तरह से। अब बनाई करेंगे हम अपने मसाले की, ताकि जो हमारे मसाले में जो करवाहटपन होती है, जो कच्चापन होता है, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये देखिए, हमारे मसाले की बनाई हो चुकी है। ये देखिए, इसके साथ ही हम अपने आलू डाल देते हैं। ये 1/2 kg आलू थे, इनको चॉप करके इसके अंदर डाल देंगे अच्छी तरह से, धो के इनको मिक्स कर लेंगे। इनकी भी बनाई करेंगे हम 5 मिनट तक, ताकि जो हमारे आलू हैं उसके अंदर मसाला अच्छी तरह से चला जाए। ये देखिए, 5 मिनट हो गए हैं और हमारे आलू की बनाई भी हो चुकी है। अब हम इसमें अपना पानी डाल देंगे। अपना पानी हम चावलों के हिसाब से पानी डालेंगे, जितने हमारे चावल होंगे उससे ज़्यादा हम पानी डालेंगे। ठीक है, मेरे 1/2 kg चावल थे इसलिए मैंने इस पर 4 अदद ग्लास डाले हैं पानी के। ठीक है, अब हम इसको डाम के रख देते हैं जब तक हमारे पानी में बॉयल ना आ जाए। ये देखते हैं, हमारे पानी में बॉयल आ चुका है, माशाल्लाह से पानी अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें अपने चावल डाल देंगे। चावल मैंने अच्छी तरह से धो के उनको रख लिया था, वो डाल देंगे। 1/2 घंटा हम पहले चावलों को भिगोते हैं ताकि हमारे जो चावल हैं अच्छी तरह से वो फूल जाए। ठीक है, अब इनको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। चावल बोल से साफ करें ताकि जो हमारा चावल है वो एक भी बाइल ना रहे। ठीक है, अब हम इसको ढक्कन देके डाम देते हैं 5 से 10 मिनट। उसके बाद खोल के देखेंगे हमारा पानी खुश्क हुआ है या नहीं। इसके साथ ही हम अपने गरम मसाला डाल देते हैं। ये खुश्क गरम मसाला है, वो डाल दिया हमने जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, और इनको मिक्स कर लेंगे। इसको अब डाम देते हैं हम 5 से 10 मिनट के लिए। ये देखिए, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा तकरीबन पानी खुश्क होने वाला है। तो हम इसमें अपनी हरी मिर्ची डाल देंगे। 1 अदद हरी मिर्च है वो मैंने काट के इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके हम इसको डाम देंगे 5 मिनट के लिए डांपेंगे। ठीक है, ये देखिए, 5 मिनट हो गए हैं। अब हम खोल के देखते हैं
ये देखिए माशाल्लाह से हमारा तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जरदा रंग डाल देंगे, पानी डाल के वो डाल देंगे। मैंने 3 साइडों पे डाल दिया है ताकि जो हमारे चावलों का कलर है वो अच्छी तरह से आ जाए। हम इसको डाम देंगे, दम पे लगा दिया मैंने इसको, 5 से 10 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे, उसके बाद हम इसको खोल के देखेंगे। चलिए देखते हैं, हमारे 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम खोल के देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और हमारा कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं, चमचे से हम मिक्स कर लेंगे सारे चावल, ताकि हमारे चावल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और टूटे भी ना। आराम से मिक्स करेंगे ताकि चावल हमारे टूटे नहीं। ये देखिए हमारे चावल मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए हम डालते हैं इसको। चलेंगे, देखिए डिश आउट हो चुकी है और हमारी फाइनल लुक भी तैयार हो चुकी है। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकॉन के बटन को भी दबाएं ताकि मेरी अगले आने वाली वीडियो आपको जल्द अज जल्द मिल सके। अल्लाह हाफिज़।